हेलो, चलो स्टार्ट करते हैं। मेथड मेथड कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? एक मेथड पढ़ा था, बैल से गए तुक्का मेथड, हिट एंड रन, यानी कि तुक्का मारा था, मारे था ना, वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन हम क्या करते, सारे क्वेश्चन को सेट कर रहे थे। हम दूसरा मेथड लगा रहे हैं। दूसरा का क्या मेथड है सर? इस मेथड का नाम है पार्शियल इक्वेशन मेथड। सर, पार्शियल इक्वेशन मेथड नाम से समझ में आ रहा है सर, कोई इनकम्प्लीट सा मेथड है। पार्शियल का मतलब है कि आधा, पार्शियल का मतलब है कि आधा, तो आधे इक्वेशन वाला मेथड है। हाँ, देखते हैं क्या है इसका मतलब। वो कह रहा है बैलेंस कैन बी डन मोर इजिली। ओहो, इंटरेस्टिंग नहीं लगा आपको? ऊपर वाला आपको थोड़ा हार्ड नहीं लग रहा था, थोड़ा डिफिकल्ट? वो कह रहे हैं ये वाला ज्यादा इजिली है। बाय सपोजिंग अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टू हैव टेकन सर्टेन स्टेप्स। वो कह रहा है अगर आप सारे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को स्टेप्स में डिवाइड कर दो, स्टेप्स में डिवाइड कर दो, तो डोंट यू थिंक कि वो इजी हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। तो वो कह रहा है राइट दिस इक्वेशंस फॉर दिस इंडिविजुअल स्टेप्स एंड देन ऐड द इक्वेशंस। वो कह रहा है इन सारे इक्वेशंस को इंडिविजुअली वन बाय वन लिखो, इन स्टेप्स है ना, अब बाद में इक्वेशंस को ऐड कर दो। इस मेथड को हम बोलते हैं पार्शियल इक्वेशन मेथड, यानी पहले उसको पार्शियल करो, अलग अलग करो, उनको सबको सेग्रीगेट करो, अलग करो, फिर बाद में मिला दो, इसको बोलते हैं पार्शियल इक्वेशन मेथड। यहाँ पर कुछ जगह ये क्या लिख रहे हैं, बेटा कंफर्म कर लेना, आपके बुक में लिखा होगा कि नॉट इन सिलेबस। क्या मतलब है इसका? टीचरों ने कटवाया? नहीं कटवाया, ऑथर ने तो वैसे ही बोल दिया, बुक के ऑथर ने, कि ये सिलेबस में नहीं है, अब बाकी मालूम पड़े। तो अगर फॉलोइंग एग्जाम्पल विल मेक इट क्लियर, हम फिर भी पढ़ रहे हैं, नहीं हो तो आप इग्नोर कर देना, अगर हो तो पढ़ लो, ठीक है? वो कह रहे लिबरेशन ऑफ आयोडीन, लिबरेशन ऑफ आयोडीन, आयोडीन को अलग करना है। सो हम किससे? फ्रॉम पोटेशियम आयोडाइड बाय रिएक्टिंग इट विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज सपोज टू बी कंप्लीट इन द फॉलोइंग टू स्टेप्स। वो कह रहा है लिबरेशन ऑफ आयोडाइन को आपको लिबरेशन ऑफ आयोडाइन फ्रॉम, यानी लिबरेट मतलब कि अलग करना है, लिबरेट मतलब अलग करना है, आयोडीन को अलग करना है आपको। किसमें से आयोडीन को अलग करना है? फ्रॉम पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, यानी पोटेशियम आयोडाइड में से आपको क्या करना है? आयोडीन को अलग करना है। वो ये बता रहे कैसे करोगे, वो ये भी बता रहे कैसे करोगे। वो कह रहा है वो आप कैसे करोगे, आप ना पोटेशियम आयोडाइड को रिएक्ट करो किसके साथ? हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, ठीक है? तो वो कह रहा है इसको आप कैसे करोगे? तो वो कह रहा है इसको फॉलोइंग स्टेप्स में डिवाइड करो, फिर आप करो। तो कह रहा है एस टू ओ टू डिकम्पोजेस टू वाटर टू गिव वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। वो कह रहा है सर ये एस टू ओ टू क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये एस टू टू क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, लिख लो यहाँ पे ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है? ठीक है, अब वो कहते हैं इसको डिकम्पोज करोगे, जब इसको डिकम्पोज करोगे यानी थोड़ा सा हीट करके डिकम्पोज करोगे, तो इसमें से ना एक वाटर अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन का एक एटम ज्यादा ना तो वो अलग हो जाएगा। फिर कह रहे हैं नेसन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस ऑक्सीडाइजेस पोटेशियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू गिव आयोडाइन एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर वो कह रहा है ये जो ऑक्सीजन जो निकला है ना, ऑक्सीजन जो निकला है ये क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा, हवा देगा पोटेशियम आयोडाइड को, पोटेशियम आयोडाइड को थोड़ा हवा देगा, वो भी कैसे? इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की प्रेजेंस, वाटर की प्रेजेंस में, जिससे क्या हो जाएगा? आयोडीन अलग से निकल जाएगा, अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अलग से निकल जाएगा। तो वो कैसे होगा, यानी कि पहले उन्होंने क्या किया, इसको अलग किया स्टेप वन में, बाद में क्या करें फिर वो इसको अलग कर रही है, दूसरे स्टेप में वो क्या कर रहा है? ये पोटेशियम आयोडाइड है, ये क्या है? पोटेशियम आयोडाइड, लिख लो, ये याद करते चलो, आपको याद करते पढ़ चलने पड़ेंगे क्यों? क्योंकि हमने लास्ट में बैक एक्सरसाइज देखी थी, उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे नामों के थ्रू। तो पोटेशियम आयोडाइड को उसने क्या किया? हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को उसने अलग कर दिया, तो बेसिक को क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ उसको अलग करोगे तो क्या करेगा, तो क्या बनेगा आपका? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अलग बन जाएगा, आयोडीन अलग बन जाएगा। तो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप किया। सर ऐसा क्यों होता है? ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब वो कह रहे ये दो स्टेप्स हैं ना आपके, ऊपर वाले नीचे वाले, इनको आप मिला दो, इनको आप मिला दो। सर कौन कौन से स्टेप? एक जो आपने सबसे पहले एस टू ओ टू को अलग किया था यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, फिर बाद आपने दोनों को मिलाया था, इनको ना कंबाइन कर दो, इनको क्या कर दो? कंबाइन कर दो। सर कंबाइन कैसे करोगे? एडिंग आती है आपको? नहीं आती है?
आप एडिंग करोगे, आप कहोगे सर ये तो जो ये वाला है, अगर आप ऐड कर रहे होंगे तो आपके दिमाग में पैड आप देख सकते ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। सर जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, नीचे भी वही आ रहा है, नीचे भी वही आ रहा है, डाउनग्रेड करने की जरूरत ही क्या है। तो लास्ट वाला क्वेश्चन है वही तो नीचे आ रहा है, नीचे और ऊपर सेम ही तो है, तो उन्हें ऐड कैसे किया बेटा, ऐड किया। अब ऐड कैसे किया आपको कैसे दिखाई देगा, थोड़े मैथमेटिक्स आपको थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए इसके लिए। उन्होंने कहा अगर उसको ऐड करते हैं आप इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पर प्लस में क्या जाता, तो आपका यहाँ पर प्लस में क्या जाता, H2O2 आ जाता। और यहाँ पर भी प्लस में क्या जाता, इन दोनों को मैं कंबाइन करके लिख दूँ, अलग से भी लिख सकता हूँ, अलग कंबाइन करके लिख सकता हूँ, तो मैंने इसको कंबाइन करके लिख रहा हूँ, ये मेरा क्या जाएगा H2O2 आ जाएगा। तो मैंने इस वाले H2O2 से ये वाला H2O को कैंसिल कर दिया, ये सर दिखाई नहीं दे रहे, ये दोनों बेचारे एक ही से बने होते तो सर दिखाई नहीं दिया आपको, ये कैंसिल हो गए, इसलिए ये है, इसलिए ये ऐसा हुआ। ठीक है, तो क्या करें, H2O2 नीचे लिखा हुआ है H2O2 एंड O अगर इन द प्रोडक्ट साइड है, जो प्रोडक्ट साइड में आए हैं एंड द फर्स्ट रिएक्शन, जो फर्स्ट रिएक्शन में आए हैं वेल ऑन द रिएक्टेंट साइड इन द सेकंड रिएक्शन, सो दैट द कैंसिल, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गए। और रिजल्टेंट इक्वेशन क्या बना, एक बैलेंस जो केमिकल इक्वेशन बना, एक बैलेंस हो गया, दोनों तरफ क्या हो गया, बैलेंस बैलेंस हो गया, दोनों तरफ क्या हो गया, बैलेंस हो गया। चलिए बैलेंस हो गया, इसके यहाँ पर कुछ एडिशन डिलीशन तो क्या नहीं, अरे आपने किया ना, आपने इसके अंदर एक फिगर ये ली, आपने एक फिगर अपनी तरफ से ली, तो आपने अपनी तरफ से फिगर एक तरफ लिया, दोनों तरफ ली, दोनों तरफ, तो दोनों तरफ ली तो अब इक्वल होता क्या ऑलरेडी, अगर दोनों तरफ नहीं लेते तो अब वो अनइक्वल होता, अब आपने दोनों तरफ से सेम ही चीज़ ली तो दोनों तरफ वो क्या हो गया, इक्वल ही हो गया। इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट बाय द बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, सर बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या इन्फॉर्मेशन देता है, तो उसको बाद में पढ़ते हैं, नीचे पढ़ते हैं, अब पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, कल वाली क्लास लास्ट क्लास में हमने पढ़ रखा था। क्या कहते हैं, क्या बताता है कि एग्जैक्टली कितना केमिकली चेंज हुआ है, नंबर रिएक्टेंट्स कौन कौन से रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं, फिर बन क्या रहा है, प्रोडक्ट क्या आ रहा है उस रिएक्शन से, प्रोडक्ट क्या आ रहा है, फिर बताता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच सब्सटेंस, जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके कितने नंबर ऑफ सब्सटेंस हैं, कितने नंबर ऑफ सब्सटेंस हैं, सब वो यहाँ पे लिखते थे, नहीं लिखते नहीं भाई, पता तो चल रहा है ना आपको, पता तो चल रहा है ना, काउंट तो कर ही सकते हो, फॉर्म इन द रिएक्शन एंड हेयर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, हेयर मतलब ये अपने एग्जाम्पल को बता रहे हैं, ये एग्जाम्पल को बता रहे हैं, नॉलेज वाली चीज नहीं, एग्जाम्पल बता रहे हैं अपना, कि ऊपर जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसके अंदर वो कह रहा है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ सल्फरिक एसिड रिएक्ट टू गिव वन मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम सल्फेट एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इस ऊपर वाले की बात करके, ऊपर वाले में क्या कहता कि हमने कुछ मिलाया था सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक सल्फरिक एसिड को मिलाया था, जिससे हमने क्या किया, सोडियम सल्फर तो अलग कर लिया और दो मॉलिक्यूल हमने वाटर के अलग कर लिए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता चल गए। अबाउट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रेस्पेक्टिव मॉडल, इससे हमें केमिकल पता चलता है, उनके बारे में पता चलता है, वन मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कंटेन्स वन एटम ऑफ सोडियम एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, वो कह रहा है ऐसे में केमिकली केमिकल कंपोजिशन का पता चलता है कि ये जो बना है ये कैसे कैसे मॉलिक्यूल से बनाया, तो इसके अंदर एक सोडियम है, एक सोडियम है ये पूरा, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है। ठीक है, अबाउट मॉलिक्यूलर मास, उनके बारे में मास पता चलता है, दैट 80 पार्ट्स बाय वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स टू 98 पार्ट्स बाय वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस 142 पार्ट्स बाय वेट ऑफ सोडियम सल्फेट एंड 36 पार्ट्स बाय वेट ऑफ वाटर, सर ये चीज़ तो समझ में नहीं था, आपने अभी बताई नहीं है, हाँ ये जब हमने नहीं पढ़ी है, और ये भी अभी एटम टेबल, और ये भी अभी एटम टेबल आएगी ना, आई थिंक है इसके अंदर, रुको 2 सेकंड रुको, दी नहीं है, दी ने ना एग्जांपल में लिख डाला है, बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये कि
एक टेबल होती है एटम्स की, उसके अंदर लिखा होता है कि आपको याद नहीं करना, बुक चैप्टर वैसे याद करना पड़े, वैसे के याद नहीं करना पड़ता। हर एटम को ना एक स्पेसिफिक वेट डिफाइन किया गया, डिफाइन किया वो आइडेंटिफाई किया गया। तो वो वेट वगैरह भी आप लिख दो ना यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे उनका वेट भी लिख दो, उनका मास लिख दो सॉरी, तो अभी आपका इक्वल ही रहेगा, तो अभी आपका क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा। तो ना मास वाली प्रॉपर्टी लगाई है बेसिकली, वो हम लगा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास वो टेबल नहीं है, और मुझे भी तो सारी याद ही नहीं है सारे। आज से कितने साल हो गए, 2017, 2015, 2015 में केमिस्ट्री पढ़ी थी लास्ट मैंने, 6 साल पहले भी मैंने, 6 साल पहले भी मैंने पढ़ी थी, मुझे भी याद नहीं है। ठीक है, तो ये वाला मेथड वो कहने है रुपए वाले में, वो कहने है रुपए वाले में कि अगर आप यहाँ पे इनके मास भी लिखते हो, आप इनके यहाँ पे क्या लिखते हो, नंबर ऑफ मास भी लिखते हो, तो अभी आपका ये मैच होगा। तो अभी क्या होगा, तो यानी इससे हमें मास के बारे में पता चलता है। सर हम लगा नहीं सकते हैं बहुत, ठीक है, तो पता चलता है ठीक है, क्योंकि अब वो सिलेबस में नहीं है, तो क्या किया जाए। इट ऑल्सो प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। हाँ, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन पता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन आपको पता क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये बताते हैं कि एटम्स या फिर एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो आप उसको क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अगर इधर 178 आ रहे हैं तो उधर जाके भी ना तो कम होनी चाहिए ना बढ़नी चाहिए, उतनी को उतनी रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये बता रहा है। नोट ऑन द बेस ऑफ एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट 22.4 लीटर ऑफ एवरी गैस, रुक जाओ 2 मिनट पॉज ही कर लेते हैं अपन। नोट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इट इज फाउंड दैट 22.4 लीटर्स ऑफ एवरी गैस एट 760 मिलीमीटर प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस वे सेम एज इट इज मॉलर मास, एज इट्स मॉलर मास, जितना उसका मास होता है उतना ही वो क्या करता है, वेट उसका आता है। इसका मतलब क्या है, अब वो क्या मॉलिकुलर मॉलर मास का ना मॉलिकुलर, उसके मॉलिकुल्स होते हैं, उसके अंदर मॉलिकुल्स होते हैं, जैसे 22 लीटर्स के अंदर क्या एच टू है ना, तो एच टू यानी मॉलिकुल मॉलिकुल्स हो गए, तो H2O का यानी कि इस पानी का उतना ही वेट आता है जितना कि उन मॉलिक्यूल्स का वेट होता है, तो अब इस वक्त सेम ही आना चाहिए ना, ये ब्राइन से है। मॉलिक्यूल मास एक्सप्रेस इन ग्राम्स, तो कह रहे हैं जो मॉलर मास होता है यानी मॉलिक्यूल मास से ग्राम्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वो कह रहा है 22 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन एट STP विल वेट 2 ग्राम्स एंड अमोनिया का जो है वो 17 ग्राम्स एंड सो। तो ये एग्जाम्पल देते उन्होंने काम का नहीं है। आपको कुछ समझ आया है सर, क्या समझने की बात कर रहे हो आप? अच्छा, ये पहले एग्जाम्पल उन्होंने ये वाला दिया था जो अभी हमने यहाँ पे समझ दिया था, ठीक है, अभी दूसरे ये वाला बता दें। दूसरे एक उन्होंने दूसरे क्वेश्चन और दिया है, CaCO3 सर, इसका मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट लिख लो एक जगह पे, पता नहीं बाद में आपको मेरे से लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा हुआ है, नाम वगैरह याद करें ना। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, ये वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो वो कह रहे थे दिस बैलेंस केमिकल इक्वेशन कन्वेज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, वो कह रहे ये जो बैलेंस इक्वेशन ये क्या बताता है, ये वाला इक्वेशन एंड दो एग्जांपल लेकर प्रूफ कर रहे हैं, क्या बता रहे कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो कह रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट का तो एक ही मॉलिक्यूल है लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कितने हैं, दो, तो वो दो के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, उससे क्या हो रहा है, उससे एक मॉलिक्यूल निकल रहा है कैल्शियम का, कैल्शियम क्लोराइड का एक निकल रहा है, वाटर का एक निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का, बिल्कुल सही, सारे एक एक ही है, तो इससे हमें पता चल रही है 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन 73 ग्राम्स। सर ये कहाँ लिखा हुआ है, ये सर नीचे उन्होंने उनका मास दे दिया, तो वो कह रहे हैं कि 100 ग्राम जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो 73 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, टू प्रोड्यूस 111 ग्राम्स कह सकते हो, ग्राम्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, 80 ग्राम्स ऑफ वाटर, 44 ग्राम्स ऑफ
कैल्शियम वो कार्बन डाइऑक्साइड 100 को प्रेस करके देख लो 173 आएगा दोनों साइड। नोट दैट द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट ग्राम्स, वो कह रहा है हमने इसको ग्राम्स को लिया हुआ है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन ट्रीटमेंट विद 73 हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल प्रोड्यूस 22.4 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी। वो कह रहा है अगर इसको आप ऐसे करो तो आपको 22.4 लीटर क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। 22.4 लीटर क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। सर कैसे निकाला इन्होंने ये, कार्बन के कितने ग्राम से, कार्बन कितने ग्राम, 44 ग्राम से ठीक है। कैसे तो आपको वो कह रहा है, मैं कह सकता हूँ आपको तो नहीं हो पाएगा, ऊपर क्वेश्चन दूसरा दिया हुआ है ठीक है ठीक है। और समझ लो बेसिकली क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 100 ग्राम का अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट है 73 ग्राम के हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर ट्रीट करते हो तो आपका एक कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगा, वो उन्होंने यहाँ से दिक्कत आया है ठीक है। 22.4 ही क्यों लिया इन्होंने एग्जैक्ट, ये हमें देखना पड़ेगा क्योंकि अभी दिया नहीं है सर। यानी ये तो बहुत अच्छी चीज़ हो गई, एक क्वेश्चन से हमें 3 चीज़ें पता चल जाती हैं। हाँ पता चल जाती है, अगर आपको पता है कि आपको क्या पता करना है, रिकॉर्डिंग हो रही है, पता ही नहीं कि आपको पता ही नहीं कि आपको पता क्या करना है, फिर आप क्या पता कर पाओगे। किसी को पता ही नहीं कि मॉलिकुलर नंबर्स क्या होते हैं, किसी को पता ही नहीं रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, तो वो थोड़ी पता कर पाएगा। वो तो उसको पता है वो पता कर पाएगा। तो अल्टीमेटली आप कह रहे हो कि तो बहुत अच्छी चीज़ है, पर तो बेटा कुछ ना कुछ तो इसके अंदर कमी होती है, हर किसी में होती है। तो यहाँ पर वो कह रहे कि ना कुछ लिमिटेशन है इसके, कुछ क्या है लिमिटेशन है। और केमिकल इक्वेशन डज नॉट टेल, हमें इतनी सारी चीज़ें नहीं बताता, क्या नहीं बताता, उसकी फिजिकल स्टेट नहीं बताता, केमिकल इक्वेशन जो लिखा हुआ है वो नहीं बताता फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स है ना। एंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स ना तो रिएक्टेंट की बताता फिजिकल स्टेट, ना ही प्रोडक्ट्स की। अब चाहे वो सब्सटेंस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, वो किसी भी तरह के हमें क्या नहीं बताता, नहीं बताता क्या नहीं बताता फिजिकल स्टेट नहीं बताता ठीक है। तो टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन कितना टाइम लगा, टाइम नहीं बताता। तो ये नहीं पता वेदर हीट इज गिवन आउट और एब्जॉर्ब, हीट बाहर गई है हम अंदर आई है ये नहीं पता चल रहा इसके अंदर, इसके अंदर है ना रेस्पेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। सर हमें ये नहीं पता चलता कि स्पेसिफिकली सी का कहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, सर यहाँ पे है यहाँ पे है, चलो सी का पता चल गया ठीक है। अभी जो सी है जो सी ओ है, अभी सी ओ में से एक सी ओ यहाँ पे चला गया, एक और यहाँ पे चला गया, तो कौन सा वाला ओ कहाँ पर गया, हमें रेस्पेक्टिव का रेस्पेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं पता चलता रेस्पेक्टिव आइटम का ठीक है। द रेट एट विच रिएक्शन प्रोसीड यानी स्पीड की बात कर रहा है, स्पीड पता नहीं चलती हमें। वेदर द रिएक्शन इज रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, पता है चेंजेस दो तरह के होते हैं, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, तो पता नहीं चलता रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल है। वेदर द रिएक्शन इज कम्प्लीटेड और कम्प्लीटेड और इट इज नॉट कम्प्लीटेड, सर ये भी नहीं पता चलता ये लिखा हुआ है, क्या पढ़ के पता चल रहा है कि रिएक्शन हो चुका नहीं हो चुका। ये तो जिस जो बना रहा होगा उसको पता होगा कि हाँ हम ये चीज़ बना चाहते हैं, बन गई है। कोई एग्जाम्पल इंसान आके सब क्वेश्चन को देखे वो क्या देखेगा, तो वो कंप्यूटर से दूर के तो कुछ भी नहीं बता पाएगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करेंगे, कंप्लीटेड है या नहीं है यही नहीं पता चलता। अ केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर इन्फॉर्मेटिव बाई राइटिंग द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू इट। वो कह रहा है एक केमिकल इक्वेशन आप बना सकते हो, केमिकल इक्वेशन बना सकते हो है ना, कैन बी मेड मोर इन्फॉर्मेटिव। वो कह रहे हैं केमिकल इक्वेशन कोई और आप क्या बना सकते हो इन्फॉर्मेटिव, यानी एक ऐसा बना सकते हो और इन्फॉर्मेशन मिले। वो कैसे,
बाय राइटिंग द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन टू इट। अगर आपने दो कुछ चीज़ों रेड कर दो, कुछ चीज़ें रेड कर दो, तो कुछ चीज़ें पता चल सकती है। जैसे कि बुक बात करता है, हमें हीट के बारे में पता नहीं चलता, हीट अंदर इधर की भाग गई है, तो ऊपर लिख दो ना, हीट एब्जॉर्ब, हीट आउट या हीट इन, अब लिख दो यहाँ पे। देखा वैसे कि यहाँ पे 450 डिग्री सेल्सियस इतना है, ये एटम्स मिले हैं, इनकी प्रेजेंस में हुआ है, 3 डिग्री सेल्सियस और हुआ है, इसे लिख दो। तो वो कह रहा है आप इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टेम्परेचर इसके अंदर ऐड कर सकते हो, प्रेशर कितने प्रेशर पे एक्टिविटी हो रही है ना, कैटलिस्ट के बारे में लिख सकते हो, ये प्रोवाइड हो सकते हैं अब, है ना, ब्लो द एरो, यानी आप उसको एरो के न्यू पर नीचे लिख सकते हो ना, सेपरेटिंग रिएक्शंस एंड प्रोटेक्ट प्रोडक्ट्स, उनको थोड़ा सेपरेट रखो, उनको थोड़ा सेपरेट रखो। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, ठीक है सर, नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, सर अब वो कह रहा है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कर रहा है, कैटलिस्ट कैसे डिपेंड करोगे सर, कैटलिस्ट मतलब क्या, लोहा और ये क्या है, एमओ। अब एमओ का मेरे को ना नहीं होता क्या चीज़ है एमओ, किस कौन से सिंबल होते हैं, नहीं मैग्नीशियम ऑक्साइड पता नहीं क्या है ये, तो दो आइटम्स होते हैं उनके प्रेजेंस में, अगर ये चीज़ नहीं होंगी इनके आसपास तो ये रिएक्ट नहीं कर पाएगा, तो ये चीज़ें हों थोड़ा तो ऊपर लिख दिए। और ये 450 डिग्री सेल्सियस पर होता है तो टेम्परेचर लिख डाला, तो कितने प्रेशर पर होता है, 200 से 900, 200 से लेकर 900 तक का प्रेशर अगर होगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो चल जाएगा। तो इससे हमें क्या मिलता है, मुझे मिलती है इससे हमें थोड़ी नॉलेज ज़्यादा मिल गई, द रिएक्शन इज रिवर्सिबल कैन बी शोन बाय द साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है सर, ये साइन में बताता है कि हमारा जो एक्शन है वो रिवर्सिबल है या नहीं है, अगर दोनों सिंबल बने तो उसका मतलब रिवर्सिबल है, अगर कोई एक ही सिंबल बना हुआ है तो उसका मतलब इरिवर्सिबल है, जैसे ऊपर वाला इरिवर्सिबल है, ठीक है, नीचे वाला क्या है, रिवर्सिबल है। रिएक्शन ऑफ स्टीम विद रेड हॉट आयरन टू प्रोड्यूस टेरिफेरिक टेट्राऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज रिवर्सिबल रिएक्शन, तो क्या होता है उसको छोड़ दो, बस अभी समझो कि सिंबल का मतलब क्या है, यही काम का है। हीटिंग ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन बी शोन बाय साइन ऑफ डेल्टा, सर आप इस डेल्टा साइन से हीट शो कर सकते हो कि हाँ इसको हम हीट कर रहे हैं, हम क्या करें हीट करें तब ये U2 अलग हुआ है, कभी C2 अलग हुआ है, वैसे अलग नहीं होता, हीट करके अलग हुआ, तो हीट का सिंबल बना दो ऊपर। फिजिकल स्टेट आप लिख सकते हो, फिजिकल स्टेट आप लिख सकते हो, जैसे सॉलिड के लिए S लगा दो, लिक्विड के लिए L लगा दो, ठीक है, अप ऊपर जा रहा था G लगा दो, है ना, अगर गैस ऊपर जा रही है तो वाटर है, स्पेसिफिकली वाटर की बात की जा रही है, लिक्विड है अदर लिक्विड है तो एयर, लेकिन वाटर वाला लिक्विड है तो उसके लिए एक ही एक्वा, यानी कि आप ये लगा सकते हो वहाँ पर, ठीक है। फिर कह रहा है केमिकल रिएक्शन प्रोसीड विद एवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, वो कह रहा है केमिकल रिएक्शन कैसे खत्म होता है, या तो वो हीट को एब्जॉर्ब करता होगा या तो हीट छोड़ता होगा, तो ये चीज़ भी लिखो, ये चीज़ भी लिखो, तो आप उसको हीट वर्ड लिख कर ऐड कर सकते हो, इसके अंदर हीट प्लस भी है, इसके अंदर हीट माइनस भी है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, यानी इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करनी है, ये तो नाम आपको याद करने पड़ेंगे, एग्जाम्पल्स मत करना, नाम वगैरह याद रख लेना, एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे 4 से 8 मार्क्स में, मैं शॉर्ट तो नहीं पर हाँ पूछ सकते हैं 4 से 8 मार्क्स में। द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स कैन ऑल्सो बी एडिड, जिंक रिएक्ट्स विद डायल्यूटेड, जिंक रिएक्ट्स विद डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन, तो यहाँ पर दिखाया गया जिंक रिएक्ट्स विद कंक सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस जिंक सल्फेट सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओहो वो क्या कह रहे हैं, आप इससे कुछ ना बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो, आप इसे ये तो बना ही सकते हो, आप यहाँ पे एक एलिमेंट ज़्यादा ले लो तो आप 2H2O बना सकते हो, फिर SO2 भी अलग से बना सकते हो, ठीक है, ये बस थोड़ा क्लियर दीजिए। अच्छा जैसे वगैरह कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब कि कोई एलिमेंट बेसिकली क्या बनाएगा, तो बेसिकली यहाँ पे मत कर जिंक जो सल्फेट है ना, बेसिकली सल्फेट वाले ही आइटम्स बनाएगा, वो क्या करे सल्फेट वाले ही आइटम बनाएगा, क्या किया है, क्या किया है सल्फेट वाला आइटम बनाया है, यहाँ पे भी जिंक ने क्या किया है सल्फेट वाले आइटम बनाया हुआ है, तो वो लिखा हुआ है।
इन्होंने सल्फर डाइऑक्साइड बनाया हुआ है, तो ये चीज़ हमें कंसल्टेशन पता चलता है कि सल्फर देख के, सल्फर के साथ देख करके सल्फर जैसी चीज़ें बनाता है। एनी रिएक्शन इन विच अ परसिपिटेट इज फॉर्म, परसिपिटेट मतलब क्या, वाटर का कोई ओस वगैरह होने लगे इधर से हो जाती है ना इनके रिएक्शन से, तो आप उसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हो डाउन एरो। वेयर सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट्स विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड अ परसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म, तो सिल्वर क्लोराइड की परसिपिटेशन होने लगती है, तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे ये रहा, इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। फिर तो एजी रखा, एजी मतलब सिल्वर होता है, हाँ अर्जेंटीना बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं केमिकल लैंग्वेज में अर्जेंटीना, एजी था। इसकी ये एक्टिविटी तो मैं होमवर्क में नहीं दे रहा, इनमें से इतने में से कुछ होमवर्क में हो, व्हाट इज द लिमिटेशन, लिमिटेशन आप कर सकते हो क्योंकि, तो मैं संडे को कराऊंगा वो भी तब जब आपके याद हो चुके होंगे तब, है ना। एक इन्फॉर्मेशन लिखनी है आपको, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये तो करना चाहिए आपको। बस कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। मैं अभी नहीं करा रहा कुछ नहीं, कल ही एक बार में करा दूंगा। बस मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा कि अभी तक जो पढ़ा ना एक बार वो सारा रिवाइज करके आना है, यहाँ पे थोड़ा ज़रूरत पड़ेगी हमें रिवाइज करके आना थोड़ा सा, ठीक है। अदरवाइज फिर मेरे को केमिकल नेम से थोड़ी आपकी ज़रूरत पड़ेगी बस, और कुछ नहीं है। अरे क्वेश्चन से क्वेश्चन ईजी होते हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी कराऊंगा, तो आपका कल ही चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। आज यहीं पे एंड करते हैं जरा इसको।